मैं ये जरूर समझता हूं कि हमको आलम इस्लाम के हालात पर भी तबसरा करना जरूरी व लाजमी है, क्योंकि आलम इस्लाम के जो भी हालात होते हैं उन हालात का असर हमारे मुल्क व रियासत पर भी होता है। और अगर आज हम आलम इस्लाम के हालात पर नजर डालेंगे तो हमको हर तरफ आपसी इंतशार, आपसी अख्तलाफ, एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए मुसलमान आपस में लड़ता हुआ नजर आएगा। आज यहूद व नसारा और सारी आलमी क़ुव्वतें एक जगह पर जमा होकर उनकी कोशिश, उनका मकसद यही है कि इस्लाम और मुसलमान को बदनाम किया जाए, और उनके मंसूबे हैं तो यही है कि किस तरीके से मुसलमान को बदनाम किया जाए और इस्लाम को कमजोर किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज सारे आलम में अगर अफरा तफरी का आलम है, एक इस्तराब की कैफियत है, बेचैनी है, और यह भी एक हकीकत है कि मजहब को नहीं मानने वाले आज एक बड़ी तादाद में हो गए, और वो दुनिया का बेचैन इंसान, वो मुस्तरिब दिल अगर अपने दिल के सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए कई मजाहब को के करीब जाता है, कई मजाहब को कबूल करता है, लेकिन मजाहब के करीब जाने के बावजूद, कबूल करने के बावजूद उसके मुस्तरिब वो बेचैन दिल को करार नहीं मिलता, उसके दिल और दिमाग के वसवसों का जवाब नहीं मिलता और इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन वही बेचैन दिल, वो मुस्तरिब दिल, वो वसवसे भरे दिमाग, वो सवालात को लेकर जब एक इंसान इस्लाम के तरफ रुजू होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है तो वो बेचैन दिल को, वो मुस्तरिब दिल को, वो ख्यालों में रहने वाले वो दिमाग को, वो सवालात से भरे उस बेचैन इंसान को अगर चैन मिलता है और सवालात का जवाब मिलता है, वो इत्मीनान मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मजहब इस्लाम में मिलता है, कुरान में मिलता है और कलमे में मिलता है। यही बात है कि आज दुनिया को बुरा मालूम होती है, और यही वजह है कि इंसान और इंसानियत जो इस्लाम की तरफ रागिब हो रही है, खींच कर आ रही है, तो इससे आज दुनिया इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की साजिश करती है। और एक तरफ बदनाम करने की साजिश रचाती है और दूसरी तरफ मुसलमान को आपस में लड़ाकर उनको कमजोर करती है। आज अगर हम देखें तो सीरिया में क्या हो रहा है, शाम में, आज मिस्र में क्या हो रहा है, तुनेसिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, बहरीन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आज जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं जहां पर अल्लाह सुबहाना व तआला ने
मुसलमानों को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है तो सोने की दौलत से नवाजा है, तो आज मुसलमानों को आपस में लड़ाकर यहूद और नसारा अपनी ताकत को गालिब लाने के लिए, गालिब करने के लिए हमको आपस में लड़ा रहे हैं। मैं इस बहस व हुज्जत में नहीं जाना चाहता कि बशर अल असद अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मिस्र के हुसैनी मुबारक सही थे या गलत थे, अच्छे थे या बुरे थे। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मुअम्मर गद्दाफी सही था या गलत, अच्छा था या बुरा। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि तुनेसिया के सदर अली सही थे या गलत थे। मैं यमन के उस सदर के अच्छाई या बुराई पे बहस करना नहीं चाहता, सही या गलत फैसले पे तबसरा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी फिक्र इस बात पे है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे की इस जंग में अगर किसी का खून बह रहा है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुनेसिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो मुसलमान का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून। अरे दुनिया को कभी हमारे खून की कीमत मालूम थी, उसका अंदाजा था, लेकिन आज हमारा खून बे आवाज बह रहा है। आज हमारे खून की कीमत नहीं, आज हमारे खून में आवाज वो ताकत नहीं रही। अरे इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की दौलत एक जगह आ जाए तो वो एक तिहाई हिस्सा भी नहीं बन सकती आलम इस्लाम व आलम अरब की दौलत के मुकाबले में। लेकिन फिर भी हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। कलमा हमारा एक है, रसूल हमारे एक, कुरान हमारा एक, काबा हमारा एक, लेकिन अफसोस के मुसलमानों हम एक नहीं है। आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा, हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना होगा कि आज हमारा खून बह रहा है। सद्दाम हुसैन के इख्तदार का खात्मा हुआ, इराक पे चढ़ाई हुई, नाटो की फोर्सेस ने हमला किया। क्यों हमला किया? कि इराक के पास कीमियाई व जरासीमी हथियार हैं। इराक फतेह हो गया, कीमियाई हथियार नहीं दिखे, न जरासीमी हथियार दिखाई दिए। सद्दाम हुसैन पकड़े गए, सूली पे लटका दिया गया, लेकिन फिर भी आज की तारीख तक भी कोई कीमियाई हथियार इराक से दस्तियाब नहीं हुआ, कोई जरासीमी हथियार दस्तियाब नहीं हुआ। तो फिर जिस मकसद के बिना पर, जिस इल्जाम के बिना पर इराक पर हमला किया, मासूमों की जानें ली और इराक के चप्पे चप्पे पर खून बहाया, वो इल्जाम क्या सही साबित हुआ, गलत हुआ, सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अफसोस कि आलम अरब व आलम इस्लाम में वो ताकत नहीं, वो इत्तेहाद नहीं, वो खुवत नहीं कि हम दुनिया से और अमेरिका से सवाल कर सकें कि क्यों तुमने मासूमों का खून बहाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो इल्जाम लगाया अफगानिस्तान के तालिबान पर। अरे कितने कहानियां हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो इसके पीछे यहूदियों की साजिश थी, यहूदियां जिम्मेदार थे, लेकिन अफगानिस्तान इनके हाथ में आ गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने रहमत के पर्दों में मुजाहिदीन इस्लाम को छुपा लिया। आज भी वो ढूंढ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। मेरा सवाल है कि अगर तालिबान दहशतगर्द हैं
अगर तालिबान दुनिया को दहशतगर्द सप्लाई करते हैं तो सवाल यह है कि अमेरिका आज तालिबान से बात क्यों कर रही है, फिर बातचीत क्यों कर रही है? अपने मकसद के लिए, अपनी सहूलत के लिए जब चाहे जिसको चाहे दहशतगर्द बना देते हैं, बता देते हैं और उसके बाद फिर इल्जाम। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं मुसलमान को, तो उसके साथ साथ एक नया हरवा इन्होंने इख्तियार किया है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, मुसलमानों को अकीदे के बुनियाद पे लड़ाओ, तो मुसलमानों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाओ। आज इराक में क्या है, एक तरफ मेहदी आर्मी है, दूसरी तरफ अलकायदा की आर्मी है। मेहदी आर्मी शियों की आर्मी है, अलकायदा सुन्नियों की। उधर वो धमाके करते हैं, इधर ये धमाके करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरवैन के जुलूस पर हम बम धमाके होते हैं तो मिलाद की महफिल पे बम धमाके होते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को आपस में बांटें। और आज हम मुसलमानों को इस बात पे गौर व फिक्र करना है कि जब हमारा कलमा एक, हमारा क़िबला एक, हमारी कुरान एक, हमारे रसूल एक, तो हमको भी एक होना होगा। आज ये लोग हमको शिया और सुन्नी के नाम पर, तबलीगी वो सुन्नतुल जमात के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर या फिर किसी दूसरे नाम पर, शाफियों के नाम पर या हनफियों के नाम पर या मलकियों के नाम पर या किसी और नाम पर हमको आपस में लड़ाते हैं और लड़ाकर हमको कमजोर करते हैं। आज हमको गौर करना है कि आज इस्लाम है तो इस्लाम की बुनियाद क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, आज हमको इस बात पर गौर करना है। एक इमारत है तो उसमें कई कमरे हैं, एक कमरा अहले हदीस का है तो एक कमरा तबलीगी का है, एक कमरा उसमें सुन्नतुल जमात का है, एक कलमा फातिहा देने वाले का है तो एक कलमा फातिहा नहीं देने वाले का है। लेकिन याद रखो, हम अपने कमरों की हिफाजत करने में लगे हैं, एक दूसरे से अख्तिलाफ में लगे हैं, अकायद के झगड़ों में हैं, लेकिन दुश्मन यहूद नसारा कमरों पे वार नहीं कर रहा है। वो कमरे जिस बुनियाद पे खड़े हैं, जिन पिल्लर पे खड़े हैं, वो पिल्लर को साफ कर रहा है। आज हमको इस बात पे गौर करना है, अमेरिका अगर बम गिराती है, यहूद नसारा अगर गोली चलाते हैं तो ये पूछ कर नहीं चलाते कि क्या तू तबलीगी है, क्या अहले सुन्नत का है या तो कोई दूसरा है। अरे यही सोचकर हम पे वार होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। खुदाया मैं यहां खड़े इस मजमे से भी अपील करूंगा, क्या हायत के झगड़ों में ना जाओ, आज इस्लाम को बचाना है। इस्लाम जो खतरे में है, हमको इसको बचाना है और हमको अपने अल्लाह जो हमसे रूठा हुआ है उस रूठे हुए अल्लाह को मनाना है। और अल्लाह जब राजी होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह नाराज है तो याद रखो, दुनिया में हर कदम पे हमको ठोकरें खानी पड़ेगी, रुसवाई व नाकामी हमारा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अगर अल्लाह राजी होगा तो फिर दुनिया की फतह नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन रहेगी। और अगर अल्लाह को राजी करना है तो खुदा के लिए नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलल्लाह पे अमल पैरा हो जाओ। गरीबों और यतीमों वो बेवाओं की मदद करो, सहारा बनो, एक भाई के दुख को अपने दुख से ताबीर करो और उसके तकलीफ को
गैर की तकलीफ नहीं अपनी तकलीफ समझकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो, तो फिर देखो खुदा की नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेचैन हो जाएगी और रूठे हुए खुदा तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह को राजी रखो, इस बात को याद रखो, जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता, जो हाथ अल्लाह से नहीं दुनिया से मांगते हैं, तो अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता, उन मांगने वाले हाथों में कुछ देता नहीं है। लेकिन जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है और हाथ जो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उन सरों की ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उन सरों पर जगमगाते हुए ताज पहना देता है, बैठने के लिए तख्त नसीब में दे देता है और इशारों से हुक्मरानी होती है। मेरी मुराद हिंदुस्तान की हजार बरस की तारीख से है कि आज मुसलमान ये कहता है कि इस मुल्क में हम अखलियत हैं, 25 करोड़ की तादाद में है। अरे मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैदान बदर में हमने जब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके इशारे पर काफिरों से मुकाबला करने के लिए बढ़े, तो उस वक्त भी हमारी तादाद कोई हजारों में या लाखों में नहीं थी। जंगे बदर में भी हमारी तादाद कम थी, काफिर ज्यादा थे, हथियार जंगालूत थे, वो घोड़े वो हाथी पहले तो कम थे लेकिन अगर थे भी तो कमजोर थे। अरे इस्लाम और मुसलमानों का ये आलम था कि भूख और फाखा कशी का कि कई कई दिन से खाना नहीं खाए थे, तादाद कम थी, कमजोर थे, भूखे थे। और जब सहाबाए किराम ने सरकार से कहा कि सरकार हम भूखे हैं कैसा लड़ेंगे, और बताया कि देखिए सरकार हमारा पेट कितना अंदर हो गया, तो सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलल्लाह अपना कुर्ता और कपड़ा हटाते हैं पेट से और बताते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पेट अंदर हो गया, ये देखो, तो सरकार के पेट पर एक नहीं दो दो पत्थर थे, पत्थर बांध कर हमने काफिरों का मुकाबला किया तो हमने काफिरों को शिकस्त दी। और हम तादाद में कम थे फिर भी हम जंगे बदर में कामयाब हुए। अरे मैदान करबला में हक के लिए आगे बढ़े तो नवासे रसूल पर कितनी मुसीबतें नहीं आई। अरे मैदान करबला में पानी के लिए तरसते रहे। अरे मैदान करबला में कैसे कैसे लोग, कितने लोग साथ छोड़कर चले गए, लेकिन नवासे रसूल ने इजहारे हक से मुंह नहीं मोड़ा, जो हक था वो बयान किया और हक के लिए जामे शहादत नौश फरमा दी। अगर वो शहादत न होती तो शायद आज इस्लाम जिंदा नहीं रहता। अरे वो शहादत थी कि इस्लाम जिंदा है, जज्बे शहादत जिंदा है, हक बाकी है और मुसलमान हक के लिए लड़ने की ताकत वो अज़्म वो इरादा भी रखता है, तो वो तुफैल है शहदाए करबला का, तुफैल है नवासे रसूल का। अरे ये हक है, अगर उससे भी आगे बढ़े तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को आपने सुना होगा कि कैसा सिपे सालार, कैसा अपने वक्त का बादशाह के बैतुल मुकद्दस को कब्जा किया था, मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुकद्दस यहूद नसारा के हाथ में था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाकर बैतुल मुकद्दस को कब्जा किया। नौजवान